आज मैं दो तरह की आपको सब्जी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं मेथी और मटर और मलाई की सब्जी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने फ्रेंच ओनियन ले लिया है, कटा टमाटर, क्रीम और मेथी कटी हुई, और यहाँ पे मैंने साइड में मटर रख लिया है। अब मैं पानी मेरा गर्म हो गया है, इसी में मैं कटे हुए मटर डाल दूंगी और इसको 5 मिनट तक बॉयल करूंगी, जब तक ये थोड़े से नरम पक नहीं जाते हैं। मटर मेरे थोड़े बॉयल हो गए हैं, अब हम मेथी को तेल में थोड़ा पकाएं। तेल मेरा गर्म हो गया, अब इसमें थोड़ी मेथी में 7 मिनट तक पकाएंगे। पक गई, अब इसको हम निकालेंगे। गर्म हो गया है तो इसमें हम थोड़ा स्प्रिंग ओनियन को पकाएंगे हो गए। अब इसको हम मिक्सी में साथ में ही प्याज और स्प्रिंग ओनियन और टमाटो को साथ में ही पीस लेंगे। पीसने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे। मसाला मेरा बनके तैयार हो गया है, अब इसको आगे हम सब्जी बनाते हैं। गैस पे रख दिए, अब इसी में थोड़ा हम तेल डालेंगे। तेल जब मेरा थोड़ा गर्म हो जाएगा तब इसी में हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा रेड चिली और इसी के साथ में मैंने ये टमाटर और प्याज का मसाला मिक्सी में पीस कर डाल दूँगी साथ में और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। मसाला मेरा पक गया है, इसी में बल्क में मटर ऐड कर देंगे और जो मैंने मेथी को हल्का सा बॉयल किया था वो कर देंगे और इसी में 2 स्पून हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसी में हम जरूरत अनुसार पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, या फिर आप ग्रेवी कम पसंद करेंगे तो थोड़ा पानी कम कर सकते हैं। अब इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। सब्जी मेरी पकने लगी है, अब इसी में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। और हरी धनिया डाल देंगे। मलाई प्याज और मेथी की सब्जी बनकर तैयार है। मैं दूसरी सब्जी आपको बनाना बताऊंगी। दूसरी सब्जी है मेरी मूली की पत्ते, सरसों का साग और सोया मेथी को मैं बारीक काट लूंगी। स्टार्ट। फिर से सब्जी मेरी कट के तैयार हो गई है। अब मैं कढ़ाई में तेल लूंगी। जब कढ़ाई तेल गर्म हो जाएगा तो उसी में 5 फोरन मसाला डाल दूंगी। फिर उसको हल्के से चला देंगे। अब उसमें लहसुन और मिर्च डाल देंगे। और इसको धीरे धीरे पकाएंगे जब तक ये रेड कलर का ना हो जाए। और फिर अपनी कटी हुई साग डाल देंगे। डालने के बाद धीरे धीरे इसको चला देंगे और ढक्कन ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। अब मेरी सब्जी बन गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।